ये दुल्हन लिवा करके कहाँ जा रहे हो? आपने घर लिवा के जा रहा हूँ, दुल्हन मेरी है। ये दुल्हन हमारे साथ जाएगी, बोल जाए जो नहीं जाएगी। कभी नहीं ऐसा हो सकता। अपने आप को अबेदार खाना चाहता है तो अपनी बीबी को हमारे साथ भेज दे, हाथ में छोड़ देंगे। आपके साथ नहीं जाएगी मेरी बीबी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे चल बीबी, हमारे साथ नहीं जाएगी। चल साले, तेरी मौत ये पुकार रही है, ऐसा तेरी कहानी खत्म कर दूंगा। आप लोगों ने देखा मोहम्मद अशरफ खान के चाल, अशरफ खान हिंदुस्तान में जीवित रहेगा, किसी बहन बेटी की टोली उसके ससुराल तक नहीं पहुंचेगी। आराम घर, आज सब तेरी चुप का बर्बाद कर दूंगा। हैरत में होंगे कि ये कौन है। मैं कोई और नहीं, मैं पाकिस्तान का छोटा आतंकवादी, मेरा नाम मोहम्मद जियाउद्दीन खान। मौके मौके जियाउद्दीन खान काम आता है। जैसे एक साला हिंदुस्तानी कुत्ता मर गया, अब इस सारे कुत्ते का सर कलम करूंगा, तोहफे में पाकिस्तान भेजूंगा। नाम क्या है रे? अरे मेरा नाम तो वंदना है, तेरा नाम क्या है रे हराम जादे? तेरा नाम वंदना है? अरे वंदना, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ खान है, मैं पाकिस्तान का मशहूर आतंकवादी, और मैं तुझको यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ? मेरी बात सुन, साथ चल मेरे पाकिस्तान, कहना मान मान कहना मान मान कहना मान मान मान। छोड़ दे मेरे रास्ता तो, कहना मेरी मान, कहीं की आवाज लूट ले अशरफ तेरी लाज, जबरन आठ आठ जबरन आठ आठ जबरन आठ आठ। अगर तुम माने ना मेरी बात, कहना माल 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 कहना माल 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 कहना माल माल माल। अगर मेरी कहना मार तो मेरी रास्ता छोड़ दे, तूने मेरी
सुहाग उजाला है, बस इतनी तेरी भलाई है, मुझे जाने दीजिए, नहीं वरना गांव के लोग बुलाकर तेरी गुनाह उतार दूंगी। अरे बंदना, क्या तो सारी भारतीय बात पर नाराज हो गई। अरे हम कम से प्यार करेंगे मेरे भाषण, ये मान श्री मानी भगत गोलू भाई कैसे बता रहे हैं। गोरिया मान न ले तू हमारो कहान मान, गोरिया मान न ले तू हमारो कहान मान, अपन बनाऊ पर रानी तुहके ना होई परेशानी, तुहके अपन बनाऊ पर रानी तुहके ना होई परेशानी, तुहके लाई चालबिया पाने हवा नवान, अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगी और आज मेरी बात को नहीं मानेगी कैसा पाप परवरदिगार के, जब तक सालिहम तेरी इज्जत को बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से बैठूंगा। काहे ऋषि आई ना पारू जाल बुका, शिकरी रानी कहे पही नहीं पे, सुनाव के शिकरी रानी सुनाव के शिकरी तू नाल बुकाओ हो, सुनाव के शिकरी तू नाल बुकाओ, दोला मोर रानिया पराल बुकाओ।
कौन धनवा दस साली हमारी बात को मानेगी नहीं मानेगी? नहीं मानोगी, नहीं मानोगी, आज साली हम तेरी इज्जत का फरफात कर देंगे। हिंदुस्तानी ऐसा कौन सा कुत्ता आता है जो कि आके आज तुम्हारी याबरी को बचाता है? तो साली हमारी बात को नहीं मानेगी, शेर सिंह इस बियाबान संगल में चिल्लाने की आवाज कहां से आई? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ सरदार जी, आओ आगे चलते हैं काशाई झाड़े को, और आवाज तो नहीं आ रही। कौन झाड़े बे? झाड़ी की तरफ से, झाड़ी की तरफ से आवाज आ रही है, किसी महिला की आवाज लग रही मुन्ना। देख देर करना ठीक नहीं, चल चल आगे की तरफ चलते हैं। शेर सिंह। हाँ सरदार जी। ये तो एक महिला है रे। हाँ ये बेहन है, बेहन है। बेहन ना है सरऊ चरिया, सब मारूंगा दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। सरदार जी हमका इसे लगता है सरदार जी क्या ना डोली से उतर के आई है सरदार जी। तू ठीक कहता मुन्ना, तू ठीक कहता है। इसका रंग रूप ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी अभी नई नवेली दुल्हन डोली पर से आ रही है, लेकिन इस बियाबान संगल में क्या कर रही है? यह तो बात हमका पता नहीं सरदार जी, ऐसी पूछा वही पूछा ना सर, वो पूरा चाटा। अब दोबारा अगर गलत बोला तो सारे हम हिस्सा चंपवाएंगे गोली, सारे पच्छा घाव हो जाएगा। पूछना है ठीक है मुन्ना, ऐसी बात है तो हम इस बहन से पूछते हैं। अरे ये लड़की, हे लड़की, अरे भैया सरदार जी, ये तो भैया कह रहे सरदार जी। बड़ी मुसीबत में लग रही है बेचारी, लेकिन हम लोग कौम के मुसलमान हैं मुन्ना, और ये हमें हिंदू धर्म की लड़की लग रही है। अगर आज इसने हमें भैया कहा है तो हम भाई का फर्ज निभाएंगे, हम भाई बनकर किसी को बात करते हैं मुन्ना। बहन तुमने हमें अपना भैया कहा है, एक बात तुम ही बताओ बहन कि तुम्हारा नाम क्या है? बहन बोलो, बहन तुम्हारा नाम क्या है? भैया शेर सिंह, बिल्कुल समझ में आ गया है, हिंदू धर्म की लड़की है, इसका नाम वंदना है। वंदना? हाँ। बहुत अच्छा नाम है। मैं इस बहन से बात करता हूँ। बहन जैसे मैं तुमसे कुछ पूछूं तो मेरी बातों का जवाब दोगी? बहन सुनो हमारी बात, शादी के
तू ही बेटी बाला बहा रही है रही क्यों आसी क्या रूठी पति से है तू अपने और देखी दुर्दशा बहना तेरा लगा कलेजा अपने पति क्यों रहा था तुझको मां पहना है आगे लगाइए अरे बहन आखिर इस बियाबान जंगल में क्या तुम्हारा पति ला करके तुम्हें मार देना चाहता था या कि दहेज के लिए तुम्हारा पति तुम्हें प्रताड़ित कर रहा था बहन आखिर तू इस बात को मुझसे क्यों नहीं बता रही क्या तुम्हारा पति इस बियाबान जंगल में ला करके तुझे मारना चाहता था कौन दरिंदा था कौन था वह दरिंदा जो तेरे साथ ऐसी हरकत कर रहा था बहन एक बार उसका नाम बता दे अरे डाकू सोना सिंह मौत के घाट उतार देगा कौन किया ऐसा तेरे साथ बोल बहन कौन किया तेरे साथ ऐसा ए आगे ए हमारे राम कुमार चाचा राम कुमार ये जो किस सीन को देखते हुए 11 रुपये दे रहे हैं सब उन्होंने पाल्टी हाथी स्वागत तुम करती बाबू को भाई आपकी क्या बताओ ये हिंदुस्तान के मशहूर पाकिस्तान के मशहूर आतंकवादी मोहम्मद अशरफ खान ने मेरी पति को मार डाला मेरे पति को मार के मेरी अबरू को लूटना चाहता है मोहम्मद अशरफ खान आज तेरी इतनी बड़ी मजाल कि मेरे हिंदुस्तान के बहन बेटियों पर नजर उठाने लगा है अरे दरिंदे मर्द का बच्चा था तो किसी मर्द से टकराया होता आज तू हिंदुस्तान की बहन बेटियों पर भी नजर उठाना शुरू कर दिया बहन मैं सब कुछ समझ गया तुम्हारे पति को गोली मार दिया तुम्हारी आबरू के साथ खिलवाड़ करना चाहता था अपने नैहर से ससुराल नहीं पहुंच पाई तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई बहन आखिर तेरी ससुराल में तेरी सास तेरी ननद तुझे ताना मारेगी बहन क्या लेकर के तू जाएगी
आज अगर अपने ससुराल जाती है तो सारी जिंदगी तुझे ताना सुनने को मिलेगा। तेरे ससुराल के लोग यही कहेंगे कि अरे ये कुलक्षणी है, जिस दिन से मेरे घर में कदम रखी मेरे बेटे को खा डाली, मेरे भाई को खा डाली, और अब ना तू लौट करके अपने नैहर जा सकती है बहन। अगर नैहर जाती है तो तेरे तेरे घर में तेरी भौजाई होगी, अगल बगल के लोग तेरा जीना मुश्किल कर देंगे, ताना सुनाएंगे बहन, यही कहेंगे कि अरे ससुराल में नहीं रह सकी, नैहर में आई है ठाठ जमाने, तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई बहन। मैं भी मजबूर हूं बहन तेरी इस बात को सुन करके मुझसे रहा नहीं जा रहा है बहन। ये तरिंदा पाकिस्तानी मेरे हिंदुस्तान की बहन बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है। बहन देखो मैं कौम का मुसलमान हूं, तुम एक हिंदू धर्म की बहन बेटी हो, तुमने हमें अपना भाई कहा है, आज तुम्हें हम अपनी बहन मान रहे हैं। अगर जैसे तुम्हारा ये भाई तुमसे कुछ कहेगा तो क्या इस भाई की बात को मानोगी बहन? भैया आपकी बात मैं मानूंगी जरूर, लेकिन आप मेरी बात सुनिए, ये पल बताइए भैया, आप तो मेरे पक्ष तो ले लिए भैया, आप मेरी इज्जत बचाए, अब इतनी बात तक आपने भाई, आप अपनी बहन तक मान ली, मुझे अपना नाम तक नहीं बताया मुझे। बहन मैं एक डकैत हूं बहन, मेरा नाम डाकू सोला सिंह है। आपने मेरी इज्जत बचा के बहुत भूल किया, अगर मेरी इज्जत लूटना चाहता था लूट सकता, आपने मेरी इज्जत बचा के बहुत भूल किया, ना जाने कितने मासूम बच्चे को कत्ल कर दियोगे, ना जाने कितने बहन बेटी की इज्जत लूट के बर्बाद कर दियोगे, ना जाने कितनी माँ को गुआ को सोनी कर दियोगे। इस बात को सुनने से पहले कि मेरा भाई डाकू है तो मेरी कर किस्मत फूट जाए कि आप जैसे इंसान को अपना भाई मानना बुरा। आज तेरी जगह पर अगर कोई दूसरा होता तो मैं उसकी वो हाल करता कि वो सोचता अपनी जिंदगी। बहन मैं